मिला ना पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे, शालीन भानोज जो है पहली बार म्यूजिक वीडियो में दिखाई देने वाले, आप दोनों कितने एक्साइटेड है ये गाना देखने के लिए? और क्या आप लोगों ने देखा है ये गाना? नहीं, अभी तक देखा नहीं है, और शालीन ने टीजर भेजा था, टीजर बहुत अच्छा लगा, बाकी अब जो उसकी स्क्रीनिंग रखी है उसने तो वही जाके देखेंगे। मैम, शालीन के साथ काम कर चुके हैं हम दोनों सूर्यपुत्रकर्ण, मैंने सूर्यपुत्रकर्ण किया, तुम तो आई थिंक पहले भी कर चुके हो, राइट? सो इज़ अ नाइस गाय, इज़ अ फन गाय, हमेशा मजाक करते रहते हैं, सो एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम, लाइक वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि उनका म्यूजिक वीडियो आ रहा है, पहला तुझको बुलाना पाया, एंड जो टीज़र उन्होंने भेजा वो काफ़ी अच्छा लगा, अभी म्यूजिक वीडियो हम पूरा देखेंगे अंदर जब स्क्रीनिंग स्टार्ट होगा, बट ऑल द बेस्ट टू हिम। आई एम श्योर शालीन ने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए जो मतलब उनको हर बार सपोर्ट करने आते हैं, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप लोग शालीन के साथ? यार शालीन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट साथ में कर चुका है मेरे, और काफ़ी अच्छी फिर से बॉन्डिंग सबकी हम सबकी हो गई थी सूर्यपुत्रकर्ण में, क्योंकि हम लोग वहीं पर रहते थे, उमरगाँव में रहते थे, तो वहीं पर जिमिंग होता था, वहीं पर दोस्ती हुई, वहीं मतलब फिर से मतलब मिले, और उसके बाद एज इन इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी विद हिम, अच्छा है, छोटे भाई जैसा है, सो अच्छा लगता है। इस साल के बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोगों का? यार अभी के टाइम से रिसेंटली हमने थोड़ा देखना शुरू किया है, मतलब एंड का थोड़ा देखना शुरू किया, कुछ काफी हुकिंग है, तो लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा हम डिटैच करेंगे, ऐसा ना हो कि हम पे भी असर पड़ने लगे। क्या कुछ पसंद आ रहा है बिग बॉस? यार सारे अच्छे लग रहे हैं, मतलब इंटायरली जितना लोग कह रहे थे, हमने देखा नहीं, वी ओनली वॉच द लास्ट 1 week आई थिंक, तो उसके हिसाब से काफ़ी हुकिंग है, काफ़ी एंगेजिंग है सारे लोग, आई लाइक शहनाज पर्सनली, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। बाकी तुम्हें कौन पसंद है? गौतम? नहीं यार, मैं सिद्धार्थ के साथ काम कर चुका हूँ, तो सिद्धार्थ को जानता हूँ पर्सनली, तो सभी अच्छे हैं यार, कोई वैसा कुछ नहीं है, मगर जिसको आप जानते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, तो सिद्धार्थ को पोस्ट, आरती को जानता हूँ, सिद्धार्थ को जानता हूँ, दोनों के साथ काम कर चुका हूँ, तो ये दोनों अच्छे हैं, सही हैं। सिद्धार्थ का एंग्री साइड बहुत बाहर आया है शो में, अगर उस बारे में कुछ बताएं, रियल लाइफ में क्या वो इतने ज़्यादा नहीं वैसा नहीं है, जितना मैं जानता हूँ उसको, मतलब कि जितना मैंने काम किया उसके साथ वैसा तो मैंने देखा नहीं उसको, अब वही होता है ना, वो सिचुएशन में रह के कौन कितना टेम्पर लूज़ करता है और कितना कंट्रोल करता है, इट्स ऑल अबाउट दैट, और वो गेम ही वैसा है आपका, सिवाय चिल्लाने और लड़ाई करने के करते क्या हैं, कोई कुछ नहीं करता, तो अब काम ही वही है, आप जितना लड़ोगे उतना दिखोगे, तो लड़ रहे हैं सब खुशी खुशी। सो टॉप 3 आपके हिसाब से कौन होगा? यार हमें नहीं पता यार, भाई एक हफ्ता हुआ है फॉलो करते हुए, पता नहीं कौन होगा। आप किसको चाहते हो कि विनर हो? मैं तो बोल दिया, मैं तो, मुझे शहनाज अच्छी लगती है, मैं सिद्धार्थ जीत जाए यार, उसको जानता हूँ, बस ओके, थैंक यू सो मच, लाइट बंद करा पहले। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स द हीरोइन ऑफ आवर सॉन्ग, मोस्ट वेलकम दीप्ति सती। कैसे लग रही है मैम? अरे हाँ मैम ही अच्छी लग रही है, मैच है? नहीं नहीं ऑफ कोर्स। चलो ओके, गाने में केमिस्ट्री कैसी होने वाली है, थोड़ा सा गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा गाना करने का आप दोनों? तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, एंड आई थिंक द गाना इज़ ऑल्सो रियली रियली ब्यूटिफुल, एंड ऑफकोर्स इसमें केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड एंड लकी ऑल्सो दैट आई गॉट समवन लाइक शालीन टू बी ऑपोजिट मी, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ वेरी गिव एंड टेक वाला एक्टर, सो इवन दो इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एवर मेट हिम इन माई लाइफ, जो हमने पहला सीन किया है, इट सेल्फ हैड लाइक टू मच केमिस्ट्री टू शो, बट इट जस्ट हैपेंड वेरी एफर्टलेसली, सो आई एम सो हैप्पी आई गॉट समवन लाइक हिम। चेक का है इनका? ना, शी इज आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज एन अमेजिंग एक्टर, शी इज एन अमेजिंग परफॉर्मर, एंड शी इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली गिविंग एज एन एक्टर, so which is amazing, and I think the whole credit of the entire album, how it has turned up, goes to everyone including her, yeah. And she's done amazing, the direction team is amazing, yes, MCM who's the producer, they are amazing producers and they have done a brilliant job. Hum jo bhi kaam karte hain, hum ek hissa hote hain, ek chhota sa hissa hote hain, gaana hota hai, ek koi gaata hai, koi banata hai usko, कोई शूट करता है, कोई उसको, जैसे आप सब कैमरा मैन है वैसे ही कैमरा एक हैंडल करता है, तो हम उसके एक छोटे सा हिस्सा होते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोशिश करते हैं एज एन एक्टर्स कि उसको हम अच्छी तरह से कर पाएँ, और जो
जो प्रोड्यूसर हम पे एक एक विश्वास रखता है हम उसको जस्टिफाई कर पाए. आई थिंक दैट इज़ आर टास्क एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. इट हैज़ कम आउट वेल. अगले 15 मिनट में आप सब देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं ना तो ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले देखो गाना तो आपको पता चलेगा और फिर सवाल भी और बहुत सारे निकलेंगे. क्या बोलते हो आप लोग? ओके, है ना? आ जाओ सब लोग अंदर. चलो चलो देखे जाए. Niloba, everybody, I want my this family to go inside and see the show right now. Yes. Yeah, are we ready? Yes, we are ready. I want all the media guys to Oh my God, सबको distribute भी करते हैं. जी. Rolling है? अरे यार मुझे एक photo खींचने दो. हाँ जी. शुरू करो. Rolling. अरे इतना कहूँगा कि ये सॉन्ग देखने के बाद ये गाना कोई नहीं भुला पाएगा. आई थिंक इट्स फैबुलसली शॉट. द मूड ऑफ द सॉन्ग इज सच एंड लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग. माय ब्रदर शालीन और क्या. हाय. दाढ़ी बिना पहचाना नहीं ना. यही है गाने में. नहीं बट आई थिंक इट्स अमेजिंग. आई थिंक शालीन गॉट अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस. शालीन आपके फ्रेंड्स सारे यहाँ पे जो आपको सपोर्ट करने आए, कितना प्राउड फील होता है खुद पे कि इतने अच्छे फ्रेंड्स बनाए आपने? भाई फ्रेंड्स आते हैं तो मेरे भाई. फ्रेंड्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भाई साथ में खड़े होते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है. तो भाई खड़े हैं और यहाँ पे सिर्फ भाई हैं. तो आई थिंक सारे भाई हैं. परिवार जो है वो परिवार सब इकट्ठा होता है. और जैसे हम घर पे सब लोग टीवी देखते हैं, ये बस वही चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. करण किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप दोनों, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. आई थिंक शालीन को मैं दोस्त नहीं कहूँगा. आई थिंक इज फैमिली. वी नोन ईच अदर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. एंड सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक ही इज फर्स्ट अंकिता फ्रेंड एंड देन माइंड. सो आई थिंक इज फैमिली. अब बीवी की तरफ से कोई अगर दोस्त है तो भाई उसको तो फैमिली मानना ही पड़ेगा आदमी को ना. ऑप्शन नहीं है. ऐसा होता है. खतरों के खिलाड़ी का 10वां सीजन आने वाला है. हाँ. एक्साइटेड है. बहुत डराया इस बार हमने सुना है ऐसा. अरे डराया बहुत डरा है. इतना डरा था कि मैं तो कितनी बार तो मतलब. बट आई थिंक ये सीजन बहुत एक्साइटिंग होगा. एंड मैं खुद वेट कर रहा हूँ टेलीकास्ट शुरू होने के. आई थिंक प्रोमोस आप लोग देख ही रहे हैं. right. एंड प्रोमोस में कितनी फटी पड़ी वो भी देख रहे हैं आप. प्रोमो में देखा नहीं मैंने, कहा कि सर मर जाऊँगा डर जाऊँगा सर. लेकिन एक्सपीरियंस आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इज़ वन ऑफ इट्स एक्सपीरियंस. आई थिंक हर किसी को अगर मौका मिले तो ये करना चाहिए. बिकॉज बाय द वे आपको शायद पता नहीं पर ये भी आए थे कुछ मुझे इन्होंने उठा के लेकर गए थे सरप्राइज के लिए खतरों के खिलाड़ी. मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी छोटी सरप्राइज जो आगे आपको मिलेंगे. करण का इतना होल्ड है कि एक दिन मैं पुणे में था अपनी फैमिली के साथ में और उसने मुझे फोन किया. मुझे पता था ये बल्गेरिया में क्योंकि वहाँ खतरों के खिलाड़ी की शूट हो रही थी. और उसने बोला तू कहाँ है? मैं पुणे में हूँ. अच्छा तो तू सुन कल की फ्लाइट ले और बल्गेरिया आ जा. मैं नागपुर नहीं आना है मुझे, बल्गेरिया है, मेरे पास वीजा भी नहीं है. वो मैं करवा देता हूँ, वो तो टेंशन नहीं है. वो अब जब आपके सर पे कलर्स का हाथ में क्या टेंशन है, तो करा दिया उन्होंने. और मैं वहाँ पहुँचा हूँ एंड भाई ने इतना कमाल का काम किया. करण ने आई थिंक केपी हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब एंड हैट्स ऑफ. इसको पहले देखा मैंने करते हुए तो मैंने टास्क में थोड़ा सा अच्छा शायद कर लिया, पता नहीं. बट काफी सारे डर मिट गए उस पे. हाँ मतलब बहुत सारे डर से ओवरकम किया करण ने. यस सर आई थिंक जीता है वो जीतता है और वो जीतता है. नहीं बट कमिंग बैक टू दैट खतरों के खिलाड़ी तो बहुत बाद में टेलीकास्ट होगा, बट पहले जो टेलीकास्ट हो चुका है पहले हम उसकी बात करें. आई थिंक वी आर हियर फॉर दिस एंड लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम ये. एंड ये गाना सुनने के बाद आप भी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको गाना सुनना जरूरी है. सो प्लीज़ वॉच द सॉन्ग, लाइक इट एंड स्प्रेड इट. यस थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सलू क्या सर? सलो सेंटर कैमरा
आप फोटोज यहाँ पे मैम लुकिया पीछे आके ज़ूम करना मैम लुकिया लुकिया Yes. Thank you.